वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24। विकासखंड में 10-10 अक्षरों की 66 परीक्षा केंद्र पर होगी परीक्षा। राजगढ़ जिले के जीरापुर बीआरसी केंद्र में आज गुरुवार को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत जनशिक्षा केंद्र पर 19 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में जीरापुर ब्लॉक के समस्त अक्षर साथियों को कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है। जीरापुर विकासखंड में 10-10 अक्षरों की 66 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं ली जाएंगी। इन समस्त केंद्रों की मॉनिटरिंग संकुल प्राचार्य जन शिक्षक साक्षरता समन्वयक द्वारा की जाएगी। इसी को लेकर विकासखंड साक्षरता समन्वयक सुरेश दांगी जीरापुर ने अक्षर साथियों को पूरी लगन से साक्षरता का कार्य करने का आह्वान करते हुए प्रशिक्षण दिया। एवं निराक्षरता के कलंक को मिटाया जा सके ऐसे अनेक बिंदुओं पर साक्षर साथियों को महत्व जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगी। इस मौके पर बीआरसी गजेंद्र शर्मा ने भी अक्षर साथियों को प्रेरित करते हुए कहा कि साक्षरता इसी रूपी इसी यज्ञ में हम सभी लोग मिलकर आहुति देंगे तो हमारे देश को निश्चित रूप से हम निरक्षरता से छुटकारा दिला सकते हैं। इस अवसर पर बीएससी पवन गुप्ता, जन शिक्षक बालचंद सिंगला, सुरेश दांगी संकुल साक्षरता समन्वयक, श्रीनाथ गुप्ता शिक्षक, भीरूलाल पाटीदार एवं अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे। जगन न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की खास रिपोर्ट। उनको साक्षर करने की जिम्मेदारी हमने स्वयं ने ली है, और हम चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति असाक्षर नहीं रहे, हम उसको साक्षर करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। और इसी जवाबदारी के साथ साथ में हमको निश्चित तौर से जिन लोगों को आप अक्षर ज्ञान कराएंगे वो लोग आपसे मतलब अच्छी तरह से वो पहचान सकेंगे और आप पर वो विश्वास करते हैं, इसलिए हम में आप अपने अटेंडेंस उनकी जो फीस लोगे उनके नाम लिख लेंगे और रोजाना उनकी अटेंडेंस आप लेंगे। और ग्रुप में जिस तरह से आप जहाँ सामाजिक चेतना केंद्र हमारा बना हुआ है वो सामाजिक चेतना केंद्र पर जाकर के उन लोगों को वहाँ पर एक फोटो सेशन भी लेंगे हम और कुछ बताएंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जो हिंदी भाषा है उसमें कुल कितने वर्ण है, कितने अक्षर है, 52 है ना। यदि हमने